जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC कंबाइंड ग्रुप बी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 800 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे आराम से भरना होगा। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म के बारे में। यहाँ पर जो अब आप वेबसाइट देख पा रही हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है, कब से लेकर के कब तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे, क्या एप्लीकेशन फीस आपको यहां पर पे करनी है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अगर आप नोटिफिकेशन पूरी जानकारी के लिए रीड करना चाहते तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी एंड अन्य जानकारी के बारे में जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। देन आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आकर के सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और यहां पर कुछ इस प्रकार का पेज होगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है इसके ऊपर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको सेम वे में मोबाइल नंबर को डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहां पर आपको इस प्रकार से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको आना है और आपसे पूछा है कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, आपके बचपन का निकनेम क्या था। कुछ भी नाम आप यहां पर दे दीजिए जो भी आपको देना है। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, यहां पर आप किसी भी आपके बचपन के दोस्त का नाम दे सकते हो, ओनली वन। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहां पर दे दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर HSC, यानी कि आपने आपकी 12वीं कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको लिखना है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ योर फेवरेट हाई स्कूल टीचर, यानी कि जो आपके हाई स्कूल के फेवरेट टीचर थे उनका सरनेम, यानी कि फर्स्ट नेम नहीं सरनेम आपको एंटर करना है। नाउ गाइज, मैं आपको छोटी सी जानकारी अनअकैडमी के बारे में देना चाहूंगा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी यहां पर आपके लिए एक बार फिर से UPSC CST GS मेगा कॉम्बैट लेकर के आया है, जिसमें कि गेमलीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है। 50 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर आपको उसके लिए दे जाते हैं। यहां पर आप अपनी नॉलेज तो इंक्रीज करते ही हो, साथ ही आप यहां पर रिवार्ड्स भी जीतते हो। आप यहां पर देख सकते हैं कि 250 लकी पार्टिसिपेंट यहां पर 5000 रुपए के AGV जीतेंगे एंड यहां पर मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल और अमेजन के गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाले, जो कि एग्जाम के अंदर अच्छा करेंगे। कहां से आपका एग्जाम आने वाला है उसके बारे में यहां पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। यह एग्जाम आपका 26 जून सुबह 11 बजे होने वाला है और इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसको ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड AMZDD10 का इस्तेमाल कर लेना है, आप फ्री में इसको इनरोल कर पाएंगे और फ्री में यहां पर टेस्ट देकर के इन वाउचर्स को और इन गिफ्ट को जीत पाएंगे। इसी के साथ अनअकैडमी T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी यहां पर रहती है, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे होती है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, आधे घंटे का समय आपको मिलता है। हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हैं और यहां पर भी आप लोग आपके अमेजन के ऊपर वाउचर फ्री में जीत सकते हैं। एंड पैथ फाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी आपकी होती है, ये भी फ्री में है और ये एवरी संडे शाम 5 बजे होती है। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप ज्वाइन कीजिए। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपको यहां पर उनका नाम एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी जानकारी यहां पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहां पर मैं बात करने वाला हूं उन कैंडिडेट के बारे में जिनका अकाउंट ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है और वो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो उनको कैसे उस जानकारी को रिकवर करना है। आपको यहां पर बेसिकली क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट टाइम हो और रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सिंपली यहां पर अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल करके, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डाल करके, ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आपका अकाउंट इसके ऊपर पहले से है तो आपको यहां पर फॉरगोट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको यूजर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालनी है जो कि आपने उस समय भरी थी फॉर्म भरते समय, मदर्स नेम देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी जानकारी भेज दी जाएगी और अगर आपको यूजर नेम मालूम नहीं है तो आप यहां पर ईमेल आईडी के सेक्शन को सिलेक्ट करके ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, ये जानकारी फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी जाएगी।
जाएगी। अब जैसे ही आपकी लॉगिन डिटेल आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को फिल करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने पहले से इसके अंदर अकाउंट बनाया हुआ था और आपने अभी अकाउंट को रिकवर किया है तो आप प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे। बट अगर आप अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए हो तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको आधार नंबर देना है और आधार नंबर के अकॉर्डिंग अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। फिर अब पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको सरनेम लिखना है, ना कि फर्स्ट नेम। आपको यहाँ पर सरनेम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर आपका मिडिल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे है आपका फुल नेम, तो अब आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका फुल नेम जो देवनागरी लैंग्वेज है उसके अंदर पूछा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फुल नेम देवनागरी, तो देवनागरी का मतलब है हिंदी लैंग्वेज, तो आपको हिंदी में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आप कहीं और पर लिख लीजिएगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर है मदर नेम, अब आपको यहाँ पर अपनी माता जी का नेम एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है, जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको आपका दिया गया है, नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, मदर टंग आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद वेदर योर नेम इज चेंज्ड अपडेटेड आफ्टर 10th, यानी कि क्या आपका नाम चेंज हुआ है या फिर अपडेट हुआ है 10वीं के बाद में या फिर मैरिज के बाद में। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको पूरा नाम इंग्लिश के अंदर देना है जो कि आपका पहले था। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको नो ही करता हूँ क्योंकि मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है। आपसे पूछा कि कैन यू रीड राइट एंड स्पीक मराठी, क्या आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आती है। अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो अन्य स्टेट के लिए यही एलिजिबिलिटी है कि उनको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, अन्यथा अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है रीड के अंदर, फिर राइट के अंदर भी यस किया है और बोलने वाले में भी मैंने यस कर दिया है। फिर आता है आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको लिखनी है, वेट आपका सेंटीमीटर केजी के अंदर कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है वो आपको लिखनी है और फुला करके कितनी हो जाती है वो आपको लिख देनी है, कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप नंबर आपको देना है अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं, इश्यूम डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, अन्य स्टेट के कैंडिडेट चाहे कोई सी भी कैटेगरी के है वो इसको यहाँ पर कैटेगरी में अनरिजर्व यानी कि जनरल सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों आता है इश्यूम डेट, कब आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब कौन यस नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं ओबीसी में और कौन नहीं आते ये आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नो, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही फॉल्स रहने देना है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट, जो आपका लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ इशू क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या आपके पास वो है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद पर्सन विद बेंच मार्क, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि एक मेधावी खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप BMC के एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ BEST, अगर आप हो इसके तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। डोमिसाइल डिटेल, यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपसे पूछा है। यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिज आउट कैटेगरी पोस्ट इफ यू डू नॉट हैव महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाओगे। रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC जो होती है, आप फिर अनरिजर्व में कंसिडर किए जाओगे भले ही आप रिजर्व कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। यानी कि डोमिसाइल बहुत ही आवश्यक है अगर आप रिजर्वेशन का फायदा चाहते हैं। और फन, क्या आप यतीम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप टू एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको थोड़ा थोड़ा
करके इन लाइन्स के अंदर फिल करना है, आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको तालुका सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी तालुका है, फिर यहाँ पर आपका उस तालुका के अंदर यानी कि तहसील के अंदर कौन सा गाँव है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड यहाँ पर आपको अपना डाल देना है, मैंने एक एक्सपेक्टेड पिन कोड ऐसे ही डाला है। इसके बाद नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसको टिक करने के बाद आपको ये जानकारी वेरीफाई करके नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है, ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलियर एक्शन इज इनिशियल काउंसिल, यानी कि आपके ऊपर कोई केस इस तरह से लिया गया है, अगर हाँ आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, क्या आपके ऊपर कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद वाज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, क्या आप किसी कोर्ट ने आपके ऊपर केस दर्ज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो जैसे कि MPSC अदर PSC UPSC इनमें से किसी भी बोर्ड से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। देन आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आए स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने जानकारी देनी है, मैंने जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है क्योंकि मेरा अकाउंट इसके ऊपर पहले से बना हुआ था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है क्वालिफिकेशन टाइप में, पहले सबसे आपको SSC सेलेक्ट करनी है यानी कि 10th, फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में SSC सेलेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं देने होंगे, स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपने कौन सी स्टेट से की है, जैसे कि मैं यहाँ पर महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी स्टेट का सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो है आपका बोर्ड, आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन स्टेटस सेलेक्ट करना है कि पास है या फिर अभी आप कर रहे हो, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी 10th कंप्लीट कर ली थी वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं, कितने अटैम्प्ट के अंदर की थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है, अगर आपने पहली बार में कर ली थी तो आपको फर्स्ट लिख देना है। परसेंटेज CGPA, तो यहाँ पर अगर आपके नंबर CGPA के अंदर तो CGPA लिख दीजिए, नहीं तो आप परसेंटेज दे सकते हैं, तो आपकी कितनी परसेंटेज आई थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो यहां पर आपको पूछा कि एकेडमिक यानी कि क्वालिफिकेशन के मंथ कितने थे, तो आप ये 12 मंथ में ही काउंट किए जाते हैं, आप यहां पर 12 लिख दीजिएगा। इसके बाद है क्लास ग्रेड, तो यहां पर दोस्तों आपकी क्या क्लास थी, मैं यहां पर फर्स्ट क्लास विद डिस्ट्रिक्शन ये सिलेक्ट कर लेता हूं। मोड आपका क्या था, डिस्टेंस कोरस्पोंडेंस ट्रेडिशनल रेगुलर का मतलब रेगुलर होता ही है, कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आप यहां पर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे आपके वो यहां पर आपको लिख देने हैं, देन आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप सेम तरीके से HSC यानी कि 12वीं की जानकारी देंगे, वो कैसे, आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आकर के सिलेक्ट क्वालिफिकेशन टाइप में आप HSC सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में HSC सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पर आपको आपका स्ट्रीम बताना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिससे भी आपने किया वही आप सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट यहाँ पर आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी स्टेट से आपने की है, देन यहाँ पर दोस्तों आता है बोर्ड, तो जिस भी बोर्ड से आपने किया वो बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन स्टेटस बताइए कि आपने पास कर लिया है अभी आप कर रहे हैं, पास कर लिए तो पास सेलेक्ट कीजिए, फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, किस डेट में आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो आप यहां पर इस प्रकार से पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर आपका मंथ और आपका डे, इस प्रकार से आपकी डेट आ जाएगी। देन आपको यहां पर बताना कि कितने अटैम्प्ट के अंदर आपने पास कर ली थी, तो आप यहां पर एक लिखेंगे अगर आपने पहली बार में पास कर ली थी, परसेंटेज या फिर CGPA लिखे जो भी आपकी परसेंटेज थी, यहां पर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ यानी कि कितने साल की थी, तो यहां पर आप 24 मंथ लिखेंगे क्योंकि 10th से 12th में होने में 24 मंथ लगते हैं, तो यहां पर आप 24 लिख देंगे। इसके बाद यहां पर है आपका क्लास यानी कि आपने कौन सी क्लास कौन सी ग्रेड से की है, सॉरी आपकी क्लास या फिर आपकी ग्रेड क्या थी, फर्स्ट क्लास विद डिस्ट्रिक्शन हायर सेकंड क्लास, तो यहां से मैं फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, माफी चाहता हूं। फिर आता है मोड, तो आपने किस मोड से किया, डिस्टेंस कोरस्पोंडेंस या फिर रेगुलर, तो यहां से मैं रेगुलर सेलेक्ट करता हूं। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, वो सब्जेक्ट के नाम आपको यहां पर लिखने हैं जो भी आपके पास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट थे, फिर यहां पर आपको वो सब्जेक्ट लिखना है जो कि आपका ऑप्शनल था, देन आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ऐड होकर के यहां पर आ जाएगी, मेरी जानकारी पहले से ऐड है। फिर इसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, आप सेम तरीके से आएंगे और क्वालिफिकेशन टाइप में ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद में नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आती है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर आपके सामने सब्जेक्ट स्ट्रीम ब्रांच, तो आपकी इनमें से कौन सी स्ट्रीम है कौन सी ब्रांच है वो
कोई आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको बताना है, कब आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, कितने अटैम्प्ट में किया है वो आपको बताना है, परसेंटेज या फिर CGPA आपको यहाँ पर लिखनी है। फोर ग्रेड एड रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर थे तो आपको यहाँ पर रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू देनी होगी। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, 36 मंथ कितनी थी, 3 साल की 4 साल की, उनको मंथ के अंदर काउंट करके यहाँ पर आपको लिखना है। क्लास आपकी क्या थी वो आपको सेलेक्ट करना है, मोड यहाँ पर आपको बता देना है, कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर देने, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर देने, और नेम ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर दे देने, किस अथॉरिटी के साथ में आपकी क्वालिफिकेशन रजिस्टर है, तो यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट ये आपको देनी है कि किस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ था, और काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देना है। मैं आपको बता दूँ कि जिन ऑप्शन के सामने स्टार का चिन्ह है रेड में, ये ऑप्शन भरने कंपलसरी है, और जिनके सामने स्टार का चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी कंपलसरी सब्जेक्ट नेम ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब जानकारी भरने के बाद जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ग्रेजुएट की यहाँ पर ऐड होकर के इस प्रकार से आ जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आकर के वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके सेम तरीके से जानकारी भर सकते हैं। देन आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी, और इसके बाद आप यहाँ पर आगे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। सॉरी, हमारी जानकारी पहले से कन्फर्म है। अब मैं यहाँ पर स्टेप 5 के ऊपर आता हूँ, जहाँ पर पूछा है एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है, और फिर सेव के ऊपर क्लिक करके आगे जो स्टेप 6 है यहाँ पर आ जाना है, जहाँ पर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जो आपका फोटो है उसकी वाइड जो आपकी रखी है वो 125 से 130 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और हाइट 150 से 170 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। साइज आपका 50 KB से ज़्यादा न हो। सिग्नेचर का जो पिक्सल है वो आपका वाइड में यानी कि चौड़ाई में 125 से 130 के बीच में रहना चाहिए, और जो हाइट है वो 50 से 60 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करना है। मैंने रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड किया है, और फिर चूज फाइल करके आप यहाँ से सिग्नेचर भी अपना अपलोड सेम तरीके से कर पाएंगे। जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये सभी यहाँ पर जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल आपकी हो जाए, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, मैं आपको इसको कन्फर्म करता हूँ, ये हमारी प्रोफाइल लॉक हो चुकी है। अब लॉक होने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो 25/6/2022/053/2022 है इसके सामने जो व्यू है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यू आर एलिजिबल एंड कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसके लिए भी सब रजिस्ट्रार और PSI के लिए भी। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको और इसको, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग फिर आपको अप्लाई करना है, यानी कि अप्लाई के ऊपर क्लिक। इसके बाद यहाँ पर आता है कि एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद में आपको लोकेशन बताने की किस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट एंड पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से मैं SBI ये सिलेक्ट करता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप जिस भी माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग MPSC कंबाइंड ग्रुप बी ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।